हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल मनी मैनेजमेंट एंड हाउ यू डूइंग आज एक्सपायरी uh, डे आज काम नो you know, खूब काम हो रहा होगा मार्केट uh, भी वन साइड इट्स बिहेविंग गुड लेकिन मार्केट एक तरफा चलना कई बार बहुत नुकसानदेह साबित होता है और uh, कई लोग अगर सही गाड़ी में बैठ गए तो पैसे ही बन जाते हैं बट वन साइड मार्केट वेदर बुलिज और बेरी वन साइड कोई सा ही मार्केट uh, ज़्यादातर नुकसान का बास होता है चाहे वो पॉजिटिव व नेगेटिव है बट ऑल द वे बाज़ार पॉजिटिव चल रहा था तो एवरी थिंग इज़ गुड बाजार पॉजिटिव ही चलना चाहिए रिस्पेक्टिंग कि बाज़ार पॉजिटिव ही चले स्टॉक चलेंगे आपके जो इन्वेस्टमेंट है उससे भी आपको रिटर्न आना है स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरा वीडियो मिल सके आज हम बात करने वाले हैं अपर सर्किट और लोअर सर्किट के बारे में आ, ये भी मैंने जो वीडियो आपको ये वीडियो मैं जो आप बना रहा हूँ आपके लिए ये भी बेस्ड ऑन कॉल बेस्ड ऑन रिक्वेस्ट के इन बिटवीन अभी पिछले एक महीना से मुझे कॉल्स आए हैं जहाँ पे आपको पता है आजकल कल येस बैंक में लोगों का काफ़ी रुझान है तो स्टॉक में कभी अपर सर्किट लग रहा है कभी लोअर सर्किट लग रहा है तो इस तरह के कॉल्स आए कि सर बाय नहीं हो रहा है तो जब अपर सर्किट लगा रहेगा तो बाइक कैसे होगा कई बार किस सर सेल नहीं हो रहा तो लोअर सर्किट में सेल कैसे होगा नहीं होगा तो इसी सर्किट के बारे में थोड़ा आज बात करते हैं और समझते हैं कि अपर सर्किट और लोअर सर्किट क्या होता है देखिए पहले तो ये समझ लें कि सर्किट कितने कितने परसेंट पे लगता है टू परसेंट फाइव परसेंट टेन परसेंट एंड ट्वेंटी परसेंट ठीक है जो भी स्टॉक डेरेविटि मार्केट में लिस्ट है जिसमें फ्यूचर में ट्रेडिंग हो रही है उसमें कोई भी सर्किट नहीं होता वो ओपन है पूरा उसके अलावा जितने भी स्टॉक हैं हर स्टॉक का एक्सचेंज ने अलग अलग सर्किट लिमिट डिसाइड कर रखा है किसी का दो परसेंट है किसी का पाँच परसेंट है दस परसेंट है बीस परसेंट है जैसे ऑलमोस्ट टी कैटेगरी के स्टॉक आप देखेंगे जेड कैटेगरी के स्टॉक जो है उनका पाँच uh, परसेंट ही होता है सर्किट लिमिट अपसाइड भी और डाउन साइड भी सर्किट क्यों लगता है किसी भी जैसे आप यस बैंक का ये उदाहरण ले लें एग्जाम्पल लेते हैं यस बैंक का किसी भी स्टॉक में पर्टिकुलर स्टॉक में कोई न्यूज़ आ गई चाहे वो पॉजिटिव न्यूज़ हो या नेगेटिव न्यूज़ हो अगर पॉजिटिव न्यूज़ आ गई तो एकदम से बायर आ जाते हैं और बहुत बाइंग होती है तो स्टॉक तेज़ी से बढ़ता है और फिर अपने सर्किट पर जाकर रुक जाता है ठीक है क्योंकि क्या एक्सचेंज ने एक हद डिसाइड कर रखी है कि, कि किसी भी स्टॉक में कोई अनसर्टेनिटी होती है Uh, कोई पॉजिटिव न्यूज़ होता है या नेगेटिव न्यूज़ होता है तो कोई भी स्टॉक एक लिमिट तक बढ़ेगा और एक लिमिट तक गिरेगा जहाँ तक उसने सर्किट लिमिट दे रखा है ताकि जो इन्वेस्टर हैं उनको एक दिन में बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो क्योंकि जब भी ऐसा होता है जब बायर पैक लगते हैं या सेलर पैक लगता है सर्किट लगता है तो इन्वेस्टर को नुकसान होता है बायर पैक में तो नहीं पर सेलर पैक में जब लोअर सर्किट लगता है तो काफ़ी नुकसान होता है येस बैंक का एग्जाम्पल आपने देखा होगा चार उसके बाद जब स्टॉक गिरने लगा 350 300 उसके बाद ये स्टॉक डेरिवेटिव्स में लिस्ट आई यस बैंक के फ्यूचर भी थे तब एक एक दिन में 100 परसेंट गिरा यस बैंक 100 परसेंट नीचे गिर के और वहाँ से वापस पूरा कवर हो जाना इतना मोमेंट रहा है अब सोचो किसी पर्टिकुलर स्टॉक में इतना मोमेंट होगा तो कोई भी इन्वेस्टर या ट्रेडर कोई पैसा बना सकता है नहीं बना सकता हर लेवल पर स्टॉप लॉस हिट होगा और पैसे लगेंगे अगर एक आध दो ऐसे क्लाइंट होते हैं कि ठीक है गलती से ट्रेड पड़ गया सही गाड़ी में बैठ गए तो दस बीस रुपये पचास रुपये बुक करके निकल गए पर जब इतना मोमेंट हो जाता ना स्टॉक में सौ सौ परसेंट एक दिन में गिर जाना और सौ सौ पॉइंट बढ़ जाना सौ सौ परसेंट बढ़ जाना तो ये हमेशा ऐसे ट्रेडिंग जो है वो आपको लॉस देगी तो मैं सर्किट की बात कर रहा था किसी भी स्टॉक में न्यूज़ बेस अगर कोई निगेटिव न्यूज़ है तो स्टॉक का टूट जाना अब होता है क्या है कि मान लो येस बैंक है येस बैंक दो चल रहा है ठीक है अभी तो डेरिवेटिव मार्केट से वो हटा दिया अब कैश मार्केट में मान लो चौदह रुपया चल रहा है वो अभी चौदह रुपया ही चल रहा है अब एक्सचेंज ने उसकी लिमिट कितनी कर रखी है पाँच परसेंट पाँच परसेंट अपसाइड जाता है या पाँच परसेंट डाउन साइड आता है तो उसमें सर्किट लग जाता है अगर अपसाइड गया तो बायर पैक लग जाता है मतलब ये बायर पैक लग जाने के बाद आप उसने अब एडिशनल बाइंग उस दिन के लिए नहीं कर सकते हैं पर यह डिपेंड करता है एक्सचेंज में एक्सचेंज पर डिपेंड करता है कई बार वो क्या है कि आपका जो सर्किट लिमिट है उसको बढ़ा देता है वो अगर एक्सचेंज चाहे तो ऐसा कर सकता है दो से पाँच पाँच से दस दस से बीस कर सकता है कई बार ऐसा भी होता है कि सर्किट लग जाने के बाद आप देखते हो आपने देखा होगा सर्किट लग जाने के बाद थोड़ी देर बाद या फिर दो तीन घंटे के बाद सर्किट ओपन भी हो जाता है बहुत सारे स्टॉक में बट जनरली जिस भी स्टॉक में अगर बायर पैक अपर सर्किट लग गया अपर सर्किट या बायर पैक दोनों एक ही चीज़ है अपर सर्किट लग गया तो स्टॉक में आप फर्दर कोई बाइंग नहीं कर सकते ठीक है पर आपके पास कोई स्टॉक है उसकी होल्डिंग पड़ी है तो आप सेलिंग ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं जिस ऑर्डर से जिस प्राइस का बाइंग पैक लगा हुआ है जिस प्राइस का अपर सर्किट लगा हुआ है तो अगर आपको बायर मिल जाएगा तो स्टॉक आपके सेल हो जाएंगे लेकिन अपर सर्किट में अगर स्टॉक में अपर सर्किट लगा है तो आपका बाइंग नहीं होगा एट द सेम टाइम अगर किसी स्टॉक में सेलर पैक लगा हुआ है मतलब लोअर सर्किट लगा हुआ है तो ऐसे स्टॉक को अगर आपके पास होल्डिंग है तो सेल नहीं कर सकते हाँ आप बाई जरूर कर सकते हैं क्योंकि सेलर आपको यहाँ पे बहुत मिल जाएंगे और आपको बायर नहीं मिलेंगे तो ऐसे स्टॉक अगर बाई करना चाहें तो आप बाई कर सकते हैं ऑर्डर प्लेस करके छोड़ सकते हैं क्यों में आप खड़े हो सकते हैं उस रेट पर हो सकता है आपको शेयर मिल जाए लेकिन लोअर सर्किट पर शेयर सेल नहीं कर सकते और अपर सर्किट पर शेयर बाई नहीं कर सकते फॉर दैट डे उस दिन के लिए हम बाइंग सेलिंग नहीं कर सकते किधर भी अगर सर्किट लगता है तो दूसरा एक चीज़ ध्यान रखें कि जो सर्किट लिमिट है वो डिसाइड कैसे होती है जैसे मान लो कि आज यस बैंक चौदह रुपये क्लोज़ हो गया अब कल जो यस बैंक ओपन होगा तो आज जो क्लोजिंग हुई है उसके ऊपर डिसाइड उसके ऊपर बेस्ड होगा कि चौदह रुपये से पाँच परसेंट ऊपर और चौदह रुपये से पाँच परसेंट नीचे ठीक है ये दोनों अपर सर्किट और लोअर सर्किट का लेबल होगा मतलब कल की क्लोजिंग से डिसाइड होता है कि टेन परसेंट फिफ्ट ट्वेंटी परसेंट टू परसेंट फाइव परसेंट जो भी सर्किट लिमिट समझ गए ध्यान रखें कोई भी ऐसा स्टॉक हो जिसमें न्यूज़ uh, हो कोई और एक साथ बहुत बायर आ गए एक साथ बहुत सेलर आ गए तो हर लोग उसमें क्या है अपना हाथ आजमाना चाहता है ठीक है बहती गंगा में हाथ धो लो पर ऐसे में बहुत लोगों को हमने फंसते भी देखा है क्योंकि बहुत ट्रेडर ऐसे होते हैं जो इंटरडे में शॉर्ट करके भी काम करते हैं कैश मार्केट में बाय करके भी काम करते हैं कई बार पोजीशन वो सेल करके और पोजिशन जब लोअर पैक लग जाता है लोअर सर्किट लग जाता है तो वो पोजिशन बाय बैक नहीं कर पाते हैं जिसकी वजह से स्टॉक ऑक्शन में चला जाता है और ऑक्शन में जाने के बाद आपको पेनल्टी देना पड़ता है इसीलिए ऐसा कोई भी स्टॉक जिसमें न्यूज़ चल रहा हो हॉट न्यूज़ चल रहा हो अपसाइड चाहे अपर सर्किट लग रहा हो लोअर सर्किट लग रहा हो खास करके आपको लोअर सर्किट का जिस स्टा जिस स्टॉक में लोअर सर्किट लग रहा हो जिस स्टॉक में ख़राब न्यूज़ हो ऐसे स्टॉक में आपको काम नहीं करना चाहिए एक बार को अगर अपर सर्किट लग रहा है बायर पैक लग रहा है और बाय करके काम कर रहे हैं तो दैट इज़ गुड फॉर यू स्टिल जिसमें बहुत ज़्यादा वर्टिलिटी हो जाए येस बैंक जैसा कोई स्टॉक हो जाए या इससे पहले एक और इस्टॉक इससे पहले एक और स्टॉक आई का आई थिंक कोई स्टॉक था जिसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट था तीन सौ रुपये से वो बासठ रुपया फिर बासठ रुपये दो, दो सौ रुपये चला गया तो इतना ज़्यादा जहाँ मोमेंट है ऐसे स्टॉक को आपको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि कमाने के लिए यहाँ पे और हज़ारों स्टॉक है ठीक है हज़ारों यहाँ पे ऑप्शन है वहाँ पे आप पैसा कमा सकते हैं वहाँ पे आप पैसा लगा सकते हैं सो अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट इज़ नथिंग बट ये क्या है कि किसी भी स्टॉक में पर्टिकुलर स्टॉक में न्यूज़ बेस ट्रेडिंग होती है एक साथ ज़्यादा बायर आ जाते हैं एक साथ ज़्यादा सेलर आ जाते हैं तो एक्सचेंज ने एक हद डिसाइड कर रखी थी एक लिमिट डिसाइड रखी कि इसके ऊपर स्टॉक उस दिन के लिए ट्रेडिंग बंद हो जाएगा सर्किट लग जाने के बाद उस दिन के लिए ट्रेडिंग बंद फिर दूसरे दिन आप ट्राई कीजिए ठीक है इसी तरह अपसाइड भी और इसी तरह डाउन साइड भी पर एक चीज़ आप ध्यान रखें जब भी आप स्टॉक में काम कर रहे हैं तो डेरेविटिव वाला स्टॉक देख लें जो स्टॉक फ्यूचर में लिस्टेड है उसका कोई सर्किट लिमिट नहीं होता है एक दिन में वो तीन टूट भी सकता है और दो बढ़ भी सकता है इसीलिए हमारा जो ट्रेड होता है कई बार मैं आपसे रिपीट करता हूँ कि हमारा जो ट्रेड होता है हम स्ट्रैटेजिक ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं अगर इस तरह की कोई बात हो तो हमारा पूरा कैपिटल जो है वो इरोड ना हो हम अपनी पोजीशन को बचा सकें अपने पैसे को बचा सकें ताकि हम बाद में दूसरा ट्रेड कर सकें सो so, दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अपर सर्किट और लोअर सर्किट समझ में आ गया होगा इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क मी इन कमेंट यू कैन कॉल मी टेक्स्ट मी आप हमसे कॉल या मैसेज करके भी पूछ सकते हैं तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और अच्छे टॉपिक के साथ आज के लिए इतना